माता बहने सब आप लोग एक मिनट के लिए सब लोग बैठ जाओ प्यार से। हाँ, अब आज की इस यात्रा को जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जो हिंदुस्तान के किसान के एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करूंगा कि जो एक साधारण घर में पैदा हुए और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन लोग याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की, फसली बीमा योजना की, ऋण योजना की, किसानों को जो सहूलियत दी वो देने वाली शख्सियत थे राजनाथ सिंह जी, जो किसान की आवाज बन गए और वही आवाज बनकर आज राजस्थान की धरती पर आए हैं। आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ राजस्थान की जनता की ओर से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी को। जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष एवं राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, छुपाकर उन्हें प्रणाम करता हूं और उनका अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि राजस्थान वीर भूमि के कोने कोने से आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए, और बहनों भाइयों, इसलिए भी मैं राजस्थान की वीरभूमि के सपूतों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह राजस्थान की वीरभूमि राणा प्रताप के वीरता की यहां पर साक्षी है। जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा जी को यहां नेता के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया, हमने इसलिए किया है, हमने राजस्थान में लंबे समय तक कांग्रेस की भी हुकूमत देखी है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की जनता के समक्ष पेश किया है। और वैसे राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है, हिंदुस्तान में जितनी भी हमारी सरकारें चल रही हैं, बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की ही सर्वेक्षण एजेंसियां ही नहीं कह रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अफसर की भी सर्वेक्षण एजेंसियों ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा योगदान है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इस आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व की भी सरकार आपने देखी है, और आप लंबे समय तक इस 65 वर्षों के आजादी काल में 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत आपने देखी है तो कांग्रेस की हुकूमत देखी है। लेकिन यह भी आपने देखा कि जब जब कांग्रेस की हुकूमत आती है तब तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है, लेकिन कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है तो भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की। राज्य की आप कांग्रेस पार्टी की सरकार उठाकर देख लीजिए, सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से काम कर रही है। बहनों भाइयों, पहला यह अवसर आजाद भारत में है कि एक कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी है। एक एक कह सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, यह करके दिखाया है यदि किसी ने
तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कर दिखाया। और मैं तो कहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आएगी, एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत यशस्वी झंडा वो उनको सुपुर्द करेंगे प्रतीक के रूप में, और इस यात्रा का सफल आगाज होगा। आप सब लोग इस यात्रा की सफलता के लिए जुट जाए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान नंदा जी सिंह को वो आए, निकलेगी गाड़ी, तो गाड़ी एक गाड़ी ब्रेक नहीं।